आज क्या है? आज ईद उल फितर है। अच्छा, यू ईद क्यों मनाया जाता है, आपको पता है? ईद रमज़ान की खुशी में ईद मनाया जाता है। अच्छा, मैं मोहम्मद सलीम। अच्छा, ईद आपको पता है क्यों मनाई जाती है? ईद एक फेस्टिवल है। अच्छा, हम लोग फेस्टिवल के तौर पे ईद मनाया जाता है 30 दिन। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे बस थोड़ा सा। अच्छा, आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद सैफ। अच्छा, ईद की मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक। यहाँ पे भीड़ लगती है? हाँ, यहाँ पे वो नमाज के टाइम भीड़ लगती है। अच्छा, आज क्या है? आज ईद उल फितर है। अच्छा, यू ईद क्यों मनाया जाता है, आपको पता है? ईद रमज़ान की खुशी में ईद मनाया जाता है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? वसीम। अच्छा, ईद क्यों मनाया जाता है? ईद रमज़ान की खुशी में मनाया जाता है। ईद रमज़ान की खुशी में। अच्छा, रमज़ान कितने महीने तक होता है? रमज़ान एक महीने का होता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। अच्छा, ईद आपको पता है क्यों मनाई जाती है? ईद एक फेस्टिवल है। अच्छा, हम लोग फेस्टिवल के तौर पे ईद मनाया जाता है 30 दिन। रमज़ान जो होता है ख़त्म होता है, उसकी खुशी में ईद होती है। ईद की खुशी अलग हो, एक फेस्टिवल। अच्छा, हमें आ जाइए, थोड़ा यहाँ पे आ जाइए। और अब बताइए, ईद में बनाया क्या जाता है? ईद में बहुत तरीके की चीज़ें बनती हैं, जैसे सेवैया बनती है, छोले बनते हैं। आपका फेवरेट होता है सेवैया? हाँ हाँ, हमारी फेवरेट है सेवई। अच्छा, भाईजान आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद जीशान। अच्छा, आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए। हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं और कुछ आएंगे भी, और यहाँ पे हम मस्जिद के सामने मनियर ब्लॉक के में हम खड़े हैं। अभी मनियर टाउन एरिया है, हम चाचा से बात करने की कोशिश करते हैं। ये मनियर टाउन एरिया है और ये हम मस्जिद के सामने खड़े हैं, और यहाँ पे हम कुछ। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मुन्ना वर्मा। अच्छा, आप आपका मज़हब क्या है? हम हिंदू हैं। हम जैसे हम लोग होली और दीपावली मनाते हैं, उस तरह से ये लोग अपना ईद मना रहे हैं। अच्छा, अच्छा, हिंदू और मुस्लिम को आप कैसे देखते हैं? हम भाई भाई की तरह देखते हैं। अच्छा, कुछ पॉलिटिकल पावर होती हैं जो हिंदू और मुस्लिम में लड़ाने का काम करती हैं? वो गलत काम करते हैं सब। अच्छा, वो सब गलत काम, अपने वोट के लिए गलत काम करते हैं सब। अच्छा, तो इस पर आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया, यहाँ पे दोनों हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, यहाँ बहुत दोनों भाईचारे की तरह रहते हैं और बहुत बढ़िया तरह जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ पर शांति और अमल से गुजारते हैं, बहुत बढ़िया रहते हैं। इसमें पॉलिटिकल पावर जो होती हैं उसमें वो लड़ाने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम कहते हैं कि मज़हब के नाम पे लड़ाने का काम करती हैं कि पाकिस्तान वाले आ गए हैं, मुस्लिम हो गए हैं, हिंदुस्तान वाले आ गए हैं, आतंकवादी हो गए हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है, ओपिनियन क्या है बस? आप यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर बहुत बढ़िया है, सबको ये एक भाई की तरह से जा सकता है, कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एक दूसरे से हेल्प करते हैं। हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, हिंदू बरादर का हो जो भाई होता प्रॉब्लम है मुस्लिम भाई करता है, जब मुस्लिम भाई कोई दिक्कत होती है तो हिंदू भाई करता है। अच्छा, मान लीजिए कोई हिंदू भाई आपके घर आ जाता है तो क्या आप सेवैया खिला सकते हैं? बिल्कुल खिला सकते हैं, जो हम मुस्लिम भाई को इज्जत देंगे वो हम हिंदू भाई को भी देंगे। बहुत बढ़िया, ये मुस्लिम भाई हैं और ये हम हिंदू भाई हैं, अब इनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ दिवाली में कोई मुस्लिम भाई आ जाता है तो आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे? उसी तरह सेवा करते हैं जिस अन्य अपने बिरादरों को सेवा करते, उसी तरह मुसलमान भाई को सेवा करते हैं। तो ऐसे मान लीजिए कि अभी तो आतिक अहमद की जैसे कि उस पर कार्रवाई हुई, वो गलत है या सही था? गलत है। गलत था, आपका क्या कहना है? आतिक अहमद की जो हुई इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जो है ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम आ जाइए, आप लोग भी थोड़ा आ जाइए और कुछ लोगों से और बातें करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर उसके बाद हम आ जाइए भाईजान, आ जाइए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा। अच्छा, ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। अच्छा, आपका नाम क्या पड़ेगा? मोहम्मद सादिक। अच्छा, ईद क्यों मनाया जाता है, आपको पता है? ईद तो हमारा एक पर्व है जो परवरों से शुरू से मनाते आ जा रहा है, इसीलिए हम लोग भी। अच्छा, रमजान कितने महीने का होता है? एक महीने का होता है। एक महीने। हाँ। अच्छा, रमजान में किया क्या जाता है? रमजान में फास्ट किया जाता है, प्रेयर किया जाता है, नमाज पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ा जाता है। अच्छा, आपका जो यहाँ पे करते हैं पूजा पाठ जो भी वगैरह करते हैं वो हो गया आपका? हाँ, हो गया। अभी हम हिंदू और मुस्लिम भाइयों से हमने बात करने की कोशिश की और यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पॉलिटिकल पावर जो होती हैं वो लड़ाने का काम करती हैं। हिंदू और मुस्लिम में मज़हब के तौर पे ये झगड़ा कराने की कोशिश करती हैं, और यहाँ पे अगर हिंदू मुस्लिम से अगर किसी भी भाई से आप पूछेंगे तो ये नहीं कहेगा कि हम अलग रहना चाहते हैं, हिंदू से मुस्लिम लड़ाई करना चाहता है और मुस्लिम से हिंदू लड़ाई करना चाहता है, ये कतई नहीं हो सकता। और ये कोई भी भाई, हिंदू मुस्लिम भाई एकजुट यहाँ पर होकर यहाँ पे रह रहे हैं
और यहाँ पे हम मस्जिद पे चलते हैं और यहाँ पे हम कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी हम मनिया टाउन एरिया के क्षेत्र में जहाँ मस्जिद है वहाँ पे हम खड़े हैं और हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से हमने बात करी और यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला कि हर लोग अपने आप में कोई ईद मनाना चाहता है, कोई दिवाली मनाना चाहता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो क्या मनाना चाहता है, वो अपने हिसाब से जो अगर हिंदू का त्यौहार है तो हिंदू मनाए, मुस्लिम का त्यौहार है तो मुस्लिम मनाए। और हम आतिक अहमद की कुछ हमने बातें करी तो कोई भी व्यक्ति जवाब देने के लिए हाजिर नहीं है, क्योंकि जो था वो गलत था या सही था वो